दिल से नहीं था, लेकिन हम मजबूरी में वहाँ बोले कि हम सहमति देते हैं। पुनर्विचार के बाद अगला कैबिनेट में हमको पारित करके दिया जाए, उसके बाद हम आंदोलन को यहाँ से समाप्त करते हुए प्रस्थान करेंगे। सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने अपने आंदोलन को आगे भी जारी रखने का ऐलान किया है। सहायक पुलिस कर्मियों के अनुसार सरकार के साथ सोमवार हुई वार्ता में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है, अगर वो मांग 24 जुलाई को होने वाले कैबिनेट में मान ली जाती है, तभी वो अपने आंदोलन को समाप्त करेंगे। जब तक सरकार उनकी मांगों को कैबिनेट में नहीं लाती है, तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। तो हम लोग ने वहाँ बहुत भारी मन से, वीडियो में भी आंसू निकला, कि श्रीमान नहीं चाहते हुए भी हमको सहमति मानने पर एक बाध किया जा रहा, क्योंकि सरकार के जो वहाँ माहौल था, एक तनाव जैसा माहौल क्रिएट किया। मीडिया को भी वहाँ बुलाया गया, वहीं कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम लोग के बोला गया कि यहीं आंदोलन पर जो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कॉन्फ्रेंस करना है। तो हम लोग भी तत्कालीन जल्दीबाजी में फैसला लिए कि हाँ सर, अगर वैसा है तो हम करेंगे। अब इसको हमको झूठ समझा जाए, आरोप लगा जाए, गैर जिम्मेदाराना प्रतिनिधि पर सवाल तो खैर उठना स्वाभाविक है, क्योंकि वहाँ हम लोग ने सहमति दी है। तो इसका कुल सारांश हुआ, जब हम वहाँ से सहमति लेकर कॉन्फ्रेंस करके आए, भारी मन से आए, हम लोग के दिल से नहीं था, लेकिन हम मजबूरी में वहाँ बोले कि हम सहमति देते हैं। फिर मोराबादी में सभी एक लोकतांत्रिक देश में अपना डेमोक्रेटिक का परिचय देते हैं, सभी भाइयों से हम लोगों ने बोला कि ऐसा ऐसा बात है, इसमें हमारी आप सहयोग करें। बड़े बड़े लोग से भी गलती सही होते हैं, हमसे भी हुआ होगा, तो उसमें बताया जाए कि हम अब क्या हैं और कहाँ हैं, क्यों हैं, कैसे हैं। तो बोला गया कि आपका जो भी पहल रहा सराहनीय रहा, लेकिन सरकार जिस तरह से 2020 में भी हमको बोलकर काम नहीं किया और 2021 में भी बोलकर काम नहीं किया, वहाँ भी मौखिक लिखित आश्वासन मिला और 2021 में भी मौखिक लिखित आश्वासन मिला, जिसमें काम नहीं होने से हम लोग के गहरा अविश्वास के भावना है और नहीं हो पा रहा है। तो इस तमाम रात में सभी भाइयों के सहमति से ऐसा निर्णय हुआ कि जो सहमति बना है उस पर हमारा जो दो बार से धोखा मिला है उस संबंध में विश्वास करना मुश्किल है, इसलिए उस सहमति पर पुनर्विचार की मांग करता हूं और जो मानदेय है उस पर विशेष तौर पर पुनर्विचार की मांग करता हूं। तदुपरांत उसको हमें लाभान्वित इम्प्लीमेंट कैसे हो, हम एक जो अगला कैबिनेट हो उसमें मेरा पुनर्विचार के बाद अगला कैबिनेट में हमको पारित करके दिया जाए, उसके बाद हम आंदोलन को यहाँ से समाप्त करते हुए प्रस्थान करेंगे। तब तक हम शांतिपूर्ण तरीका से कैबिनेट तक प्रतीक्षा करेंगे। यही सर्वसहमति से हम लोग निर्णय लिए हैं, जो सहमति बनी थी उसका पुनर्विचार, विशेष तौर पर मानदेय का पुनर्विचार के मांग करता हूँ। ये हुआ, इसमें जो भी झूठ सरकारी सहमति के दृष्टिकोण से जगह तो हम पर थोड़ा झूठ का भी आरोप लगना स्वाभाविक है, लेकिन मजबूरी है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।